वेलकम स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स कैलकुलस के सेकंड पार्ट के ऊपर। पिछली बार हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ती है, तो हमें पता लगा अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब उसमें वेलोसिटी है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी वेरिंग है, तो उस वेलोसिटी को निकालने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करता हूं। और अगर वेलोसिटी भी वेरिएबल है, वेरिएबल से मतलब वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो किसी पॉइंट के एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, अगर एस इज द डिस्प्लेसमेंट देन डीएस बाय डीटी विल गिव यू वेलोसिटी वी, एंड डीवी बाय डीटी और डी टू एस बाय डीटी टू विल गिव यू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी होगा और दूसरा डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का या पहला वेलोसिटी का, ये दोनों एक्सेलरेशन होंगे। आइए एक क्वेश्चन फिर देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निकालनी है उस पार्टिकल की, कब, जबकि एक्सेलरेशन जीरो हो। तो आइए, जब मुझे टी पता लग जाएगा तो मैं एस में रख सकता हूं, लेकिन V के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैंने वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। देखिए दिया आया 3t स्क्वायर माइनस 60। अभी भी ये वेलोसिटी जो है टाइम पर डिपेंडेंट है, तो मुझे वेलोसिटी कब निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसका मतलब मुझे पहले एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली 60 माइनस 6। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछ रहा है कब, जब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन क्या आई आपके पास 60 माइनस 6, तो इसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो टी की वैल्यू 1 सेकंड आता है। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में मुझे 1 सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालनी है। आइए वेलोसिटी को हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला 3t स्क्वायर माइनस 60 था, 3 1 माइनस दिस वैल्यू माइनस 3 मीटर पर सेकंड, और इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट मैंने निकालने की कोशिश करी है, तो आप देखिए 1 सेकंड के ऊपर मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो आई है, माने जीरो पर बॉडी। अब ध्यान देना, इसमें डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे जीरो आई है। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर जीरो पर क्या होगा, माने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो अगर मैं यहां पर एस को जीरो पुट कर दूं, टी को सॉरी जीरो पुट करो, तो मेरे पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ दो। इसका मतलब बॉडी इनिशियली दो पर है और 1 सेकंड बाद जीरो पर आई है, माने बॉडी मतलब जिस जो भी आपका कन्वेंशन सिस्टम होगा, मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो प्लस टू पर बॉडी अभी है और 1 सेकंड बाद जीरो पर आई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसकी माइनस डायरेक्शन में, बॉडी वेलोसिटी में है, वो चल रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब और ध्यान से समझिए एक और क्वेश्चन जो आपको और क्लियर करेगा इस पूरे टाइप के, जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चक्कर आएगा उसको समझने के लिए आपके ये जरूरी होगा, इसको समझ पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आपको दे दी है, अब पोजिशन एक्सेलरेशन टोटल डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड के ऊपर। अब एक्सप्रेशन मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट का, मुझे क्या क्या निकालना है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। अब ध्यान दो, पोजीशन के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू 5 सेकंड पुट कर सकता हूं मैं, लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए मुझे डिफरेंशिएट करके पॉइंट लेने हैं। आइए, मैंने टी की वैल्यू सीधा पुट कर दी, इसकी वैल्यू 5, और मेरे पास आंसर आ गया 25 मीटर। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 सेकंड के बाद बॉडी 25 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है, पोजीशन पर है, लेकिन दैट डज नॉट मीन बॉडी चली 25 होगी, यही आपको समझना इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, मैंने वेलोसिटी निकाल दिया, वेलोसिटी मेरी कितनी आई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, और मुझे वेलोसिटी निकालनी कब है, 5 सेकंड पर। तो प्रश्न यह है, हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि वेलोसिटी क्या 5 सेकंड से पहले कभी जीरो हो रही है या नहीं, तो हमें सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा, आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं एक ब्लॉक को, एक बॉडी को यहां से ऊपर फेंकता हूं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है बॉडी थोड़ी देर के बाद ऊपर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर बॉडी नीचे आना शुरू करेगी। तो अगर आप कभी मुझे पोजीशन पूछेंगे तो जो बॉडी यहां से गई है ऊपर से घूम के दोबारा मेरे पास आ चुकी है, तो उसकी पोजीशन तो जीरो होगी,
पर क्या बॉडी चली? नहीं, ये बॉडी जरूर चली है। अब हम उसको कैसे यूज करेंगे, आइए समझे ही आप। ये वेलोसिटी मैंने निकाल दी है और एक्सेलरेशन निकाल दिया है, तो एक्सेलरेशन में सिर्फ एक टी था, मैंने निकाल लिया 5 सेकंड पर वेलोसिटी मेरी, सॉरी 60 माइनस 12 आया, मैंने वैल्यू पुट कर दी 5 सेकंड, मेरी वैल्यू आ गई 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक कदम और चलते हैं, अब वेलोसिटी कब जीरो है? अब सबसे बड़ी बात यहां समझनी है, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉडी अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। तो मैंने उसको इक्वेट कर दिया जीरो से, यह समझने के लिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कब बदलती है। ध्यान देना, अब यहां पर 1 और 3 दो वैल्यू आई, इसका मतलब बॉडी दो बार अपना डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन, जब 1 सेकंड है और 3 सेकंड है। इसका मतलब 1 पर जाते बॉडी कहीं गई है, फिर 3 पर कहीं गई है, और मुझे निकालना 5 पर है, तो मुझे इन दोनों इंटरवल्स को समझना पड़ेगा। देखो ये एस है, तो 0 पर t 5 है, इसका मतलब इनिशियली बॉडी 5 पर है। फिर मैं अब निकालूंगा 1 सेकंड पर बॉडी कहां थी, तो मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, मेरी वैल्यू 9 मीटर आ गई। दोबारा वेलोसिटी कब चेंज हुई आपने देखा, 2 सेकंड के ऊपर, मैंने इसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, अब बॉडी फिर 5 पर आई, 3 पर, ये 2 थी मेरे पास, बॉडी 3 पर आई। उसके बाद क्या किया, मेरे को 5 सेकंड में निकालना है, अब बॉडी 25 पर आई। अब सवाल यह है, 0 पर बॉडी 5 पर, 1 सेकंड पर बॉडी 9 पर, फिर 3 पर, फिर 3 सेकंड पर, फिर 5 पर, और 5 पर फिर 25 पर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो कोई सा भी निकाल लें, आपने डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकंड एंड 1 सेकंड निकालना है तो आंसर 9 मीटर माइनस 5 मीटर, 4 मीटर आ जाएगा। 0 से 3 के बीच में निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, 1 से 3 में निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर आ जाएगा, 1 से 5 में निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट 25 माइनस 9 आ जाएगा, सिंपल। लेकिन झगड़ा यहां पर कहां आएगा, जिस पर आपने ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस निकालने पर। डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हैं, देखिए असल में हो क्या रहा, बॉडी इस तरह चल रही है, आपने कहा पहले 5 पर चली है, 1 सेकंड बाद बॉडी जब वेलोसिटी बदली तो 9 पर, फिर दोबारा 5 पर और फिर 25 पर। अगर आपको अब ये नापना पड़े कि बॉडी ने एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखो यहां पर 4 मीटर, फिर ये 4 मीटर और फिर ये 20 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर और फिर ये 20 मीटर। तो इस तरह हमारा डिस्टेंस 20 + 4 + 4 = 28 मीटर आएगा। आई प्रेज्यूम इस क्वेश्चन में आप समझ सकेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या फर्क होता है। इसको आप समझिए, जब जब वेलोसिटी जीरो होती है तो मेरी डायरेक्शन बदलती है, और जब वेलोसिटी डायरेक्शन बदलती है तो मेरी वो चीज जिस डिस्प्लेसमेंट में नजर मुझे नहीं आएगी, लेकिन डिस्टेंस में मुझे नजर आएगा। मान लीजिए मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, अब ध्यान दीजिए बॉडी में जमीन पर, वो ऊपर गई 50 मीटर तक, तो इसका मतलब 50 मीटर जाने के लिए मेरी पोजीशन से पहले वो मेरे से हाइट पर गई, 10 पर, 20 पर, 30 पर, 40 पर, फिर 50 पर, फिर वहां से वापस तो आएगी ना, 40 पर, 30 पर, 20 पर, 10 पर, 0 पर। तो यदि मैं कोई टाइम जिस पर बॉडी 10 और 10 पर है, मैंने जाते हुए 10 वाले पॉइंट पर है और आते हुए 10 वाले पॉइंट पर है, उन दोनों को मैं पुट करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 आएगा, परंतु क्या डिस्टेंस 10 हुआ? पहले केस में जी हुआ, दूसरे केस में जी नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी ऊपर से घूम कर वापस आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट भले ही मेरा 10 रहा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस मुझे निकालना कैसे पड़ेगा, सबसे पहले बॉडी की वेलोसिटी कब बदली, 50 मीटर जाने के बाद। तो पहले 50 मीटर ऊपर गई, फिर 40 नीचे आई, तो डिस्टेंस मेरा 90 आएगा। समझे आप, ये आपको समझना है। आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की अलग अलग बात करते हैं। राइट, इज दैट क्लियर? आप इसको समझने का प्रयास करें, जरूरत पड़ेगी इसका एक आदमी न्यूमेरिकल और दूंगा, और अगले वाले में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, कि इसका रिवर्स कैसे होता है। थैंक यू।